हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे शाही पनीर कोरमा। शाही पनीर कोरमा वैसे तो कई प्रकार से बनता है, लेकिन इसमें मैंने वाइट ग्रेवी के साथ शाही पनीर को बनाया है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसमें हमें सबसे पहले पनीर चाहिए, जिसे हमने छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया है। कटी हुई प्याज चाहिए। प्याज के हम ऐसे थोड़े बड़े बड़े टुकड़े काट के रखेंगे। कुछ हमें एक टुकड़े अदरक के चाहिए। और मसालों में हम थोड़ा सा आलमंड लेंगे, काजू लेंगे, चार इलायची ली है मैंने, कुछ काली मिर्च है, हरी मिर्च है और कुछ तरबूज के बीजे हैं। तो इन मसालों का, सिर्फ इतने ही मसालों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी सारी सामग्री हो गई। अब इन सबको हम एक बर्तन में डाल लेंगे। मैंने ये एक बर्तन लिया है, इसमें मैंने अदरक डाल दिए हैं अपने, प्याज को भी डाल दिया है, और मेरे ये जितने मसाले थे इन सबको भी मैं इसी में डाल दूंगी। बादाम भी हम इसमें डाल देंगे, काजू भी डाल देंगे, इलायची भी डाल देंगे, काली मिर्च, हरी मिर्च और ये हमारे बीजे। सारी चीज़ें डाल के इसे अब हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हम इसमें कुछ मात्रा में पानी मिलाएंगे। और पानी मिला के इसे, मैंने ये अपने इंडक्शन पे रख दिया है इसे बॉईल करने के लिए, तो इसे हम ऑन करेंगे और बॉईल होने के लिए रख देंगे। ठीक है, बॉईल होते टाइम इसे आप ढक्कन से ढक दीजिए। ये ढक्कन से इसको ढक दीजिए और आराम से बॉईल होने दीजिए। जब तक हमारा ये मसाले बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम अपने पनीर को शैलो फ्राई कर लेंगे। तो हमने एक ये पैन चढ़ाया है, इसमें हम अपने पनीर को डाल देंगे और थोड़ा सा तेल डाल के हम ये पनीर को जस्ट शैलो फ्राई करेंगे। देखिए, पनीर भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद करके इसको अलग रख देंगे। अब हम अपने मसाले की तरफ जाते हैं। ये देखिए, मसाला हमारा बॉईल हो चुका है। आप देखिए, ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से बॉईल हो गई है। जब ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए तो अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा रख करने के लिए रख देंगे। इसे हम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इन सारों को ये ग्राइंडर में डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हमारा मसाला अच्छे तरीके से पिस चुका है। जो भी हमने बॉईल किया था उन सबको हमने इसमें पीस लिया है। अब हम इसको बघार देंगे। बघार लगाने के लिए हम कढ़ाई में तेल चढ़ाएंगे और इसमें हम जो हमने मसाला पीसा है उसको डाल देंगे। धीरे धीरे हम पूरा मसाला इसमें डाल देंगे और फिर इसे भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि ये तेल मसाला छोड़ ना दे। आप इसे चलाते रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका मसाला चिपक सकता है। देखिए, मसाला पक रहा है हमारा। इसको चलाते रहिए कंटिन्यूस। अब देखिए, मसाले ने पूरी तरीके से तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब है यह हमारा मसाला पक चुका है। आपको दिख रहा है, ये मसाला बिल्कुल तेल को छोड़ चुका है, मतलब मसाला पूरी तरीके से पक गया है।
अब हम इसमें पानी मिलाएंगे, थोड़ी सी ग्रेवी इसमें करेंगे हम। पानी डालने से पहले मैं कुछ पत्तियाँ कसूरी मेथी की भी डालूँगी ताकि थोड़ा सा ग्रीन भी दिखे वाइट वाइट में ग्रेवी में। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल रहे हैं हम इसमें, इसको मिक्स करते जाएं पानी डालते डालते। ये देखिए अब हमारी एकदम अच्छी सी वाइट ग्रेवी बनना शुरू हो गई है। ये हमारे शाही पनीर कोरमा की ग्रेवी का आप देख सकते हैं, बहुत ही वाइट है। हमें इसे वाइट ही रखना है, इसमें हमें और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालना है जिससे कि इसकी ये जो वाइटनेस है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिक्स कर दीजिए। ये देखिए अच्छे तरीके से बॉईल हो गई है हमारी ग्रेवी। अब इस टाइम पर हम इसमें लास्ट में पनीर डालेंगे। ये जो पनीर हमने शैलो फ्राई करके रखी थी उन पनीर के क्यूब्स को इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। अब इसे 5 मिनट्स और पकने देंगे और लास्ट में जब ये थोड़ा और पनीर भी पक जाए इसमें, इसे पकने दीजिए थोड़ा। लास्ट में हमारा जो सीक्रेट है इसमें ये है कि जब ये बॉईल हो रहा है, बॉईल हो चुका है पक चुका है, तो आप गैस ऑफ कर दें और इसमें 2 बड़े चम्मच दही डालिए। दही डाल के इसको अच्छी तरह स्टेयर कर लीजिए, अच्छी तरह हिला दीजिए कि दही इस ग्रेवी में मिक्स हो जाए। ये देखिए पूरे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मिक्स हो गया है दही मेरा इसमें। इसको 5 मिनट्स ढक के रख दीजिए। ये मैंने इसे ढक दिया है। अब 5 मिनट इसको ऐसे ही रेस्ट होने रखिए, फिर हम इसको के लिए ये रेडी है, इसको आप खा सकते हैं। ये देखिए मेरा शाही पनीर कोरमा रेडी है। मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है, एकदम गर्मा गर्म है ये। इसको सजाने के लिए मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती भी इसको गार्निशिंग के लिए डाल दूँगी। और ये देखिए कितना सुंदर है। अब हम इसको अगेन, जैसे मैं हमेशा लियो से टेस्ट करवाती हूँ, तो आज भी हम लियो से टेस्ट करवाएंगे, तो लियो हमें बताएंगे कि कैसे लगा उसे शाही हाँ मैं पनीर। और बताऊँ, बूढ़ा अधरा पागल फाटक वाला बेवड़ा, उसको दादा बना के तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया, और वो बाल डांसर उसको बैल बना दिया, और इन सब का रिंग मास्टर ये बहराम जी नौटंकी वाला। वाह मम्मा यमी।